सब्सक्राइब कीजिए होम स्टाइल किचन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम स्टाइल किचन में। आज हम बनाएंगे मैकडोनल्ड स्टाइल पिज़्ज़ा मैकपफ। इसके लिए हमने डो बनाने हैं। उसके लिए 2 कप मैदा लिया है, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1/4 कप ऑयल लिया है, 1/2 कप फ्रिज का ठंडा पानी लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमने 2 मीडियम प्याज बारीक कटे हुए लिए हैं, 1 छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई ली है, 1/2 से 1 टीस्पून नमक लिया है, 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस ली है, 2 टीस्पून रेड चिली सॉस ली है, 1 टीस्पून ऑरिगेनो ली है। ऑरिगेनो ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ऑरिगेनो मत लीजिएगा। 1 कप टमाटर बारीक कटे हुए लिए हैं, इसके बीज निकाल लिए हैं, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई ली हैं, 1/2 इंच अदरक कद्दूकश की हुई ली है, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और 1 चीज़ क्यूब ली है प्रोसेस्ड। इसमें मोजरेला चीज़ भी ले सकते हैं, अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले 2 कप मैदा लेंगे, उसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 कप ऑयल डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम 1/2 कप फ्रिज का पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। और ये हमारा डो तैयार है। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम पैन में 2 से 3 टीस्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 इंच अदरक कद्दूकस की हुई डालेंगे, 7 से 8 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई डालेंगे और इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम प्याज बारीक कटे हुए डालेंगे और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे, 1 कप टमाटर बारीक कटा हुआ डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 से 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे, ऑरिगेनो ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिए, और 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 2 मिनट तक इसे ढककर पकाएंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून रेड चिली सॉस डालेंगे, 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1/2 मिनट तक पका लेंगे इसे। ये हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें चीज़ डालेंगे, अगर चीज़ नहीं है तो ऐसे ही इसे यूज़ कर सकते हैं। हम 4 पेड़े बना लेंगे और 1 पेड़ा लेंगे और इसे बेलेंगे रोटी की तरह। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए,
अब हम इसके कॉर्नर्स कट कर लेंगे। अब हम सेंटर से इसे थोड़ा कट करेंगे। और छोटी वाली साइड में स्टफिंग भरेंगे। और कॉर्नर्स में पानी लगाएंगे। और इसे कवर कर देंगे। और कांटे से हम कॉर्नर्स में डिजाइन दे देंगे। और ऐसे ही करके हम बाकी के सारे भी बना लेंगे। और ये हमारे पिज्जा मैकपफ तैयार है। अब हम इन्हें आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम एक पीस लेंगे और इसे डीप फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। ऐसे करके हम सारे पीसेस को डीप फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक। और ये देखिए दोस्तों, मैकडोनल्ड स्टाइल पिज़्ज़ा मैकपफ बनके तैयार हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना।